नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज बहुत सारी ऐसी फरमाइशें आई हैं कि मैं ये सपना देखता हूँ, वो सपना देखता हूँ। इसके पहले भी मैंने एक सपने पर वीडियो बनाया था, उसके बाद बहुत सारी फरमाइशें आईं दर्शकों की कि मैं ये सपना देखता हूँ। तो मैं उनके सभी सपनों का आज जवाब दे रहा हूँ। तो आइए आज दर्शकों की फरमाइश पर सपने पर वीडियो बनाएं। सपने पर वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और बहुत सारे दर्शकों की फरमाइश भी पूरी हो जाएगी। सबसे पहले एक ऐसा सपना जो ट्रेन से संबंधित है। बहुत लोगों ने पूछा है कि मैं प्रायः सपना देखता हूँ कि मैं स्टेशन पर हूँ और ट्रेन खुल गया और मैं छूट गया हूँ, इसका अर्थ क्या हो रहा है। अगर आप स्टेशन पर हैं और प्लेटफॉर्म पर हैं, आपकी ट्रेन आपसे छूट रही है, आप पीछे पीछे ट्रेन के दौड़ रहे हैं, तो इसका सपना बड़ा ही स्पष्ट है। इस सपने का मतलब बड़ा ही स्पष्ट है कि आप अपनी मंजिल पर पहुंचने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है। चाहे आप नौकरी के पेशे में हो या कोई भी व्यापार कर रहे हो, तो इस सपने का मतलब बड़ा ही स्पष्ट हुआ कि आपको अपनी मंजिल नहीं मिल रही है। मंजिल की ओर अग्रसर हो रहे हैं लेकिन आपकी मंजिल आपसे दूर होती चली जा रही है। दूसरा सपना, आँखों में काजल लगाना। बहुत सारे महिलाएं और बहुत सारे पुरुष ने भी हमसे पूछा है कि मैं प्रायः देखता हूँ या देखती हूँ कि मैं अपने आँखों में काजल लगा रही हूँ, चाहे काजल लगा रहा हूँ। आँखों में काजल लगाना, इस सपने का अर्थ है कि आपको कहीं ना कहीं से शारीरिक कष्ट होना, आप किसी न किसी तरह के शारीरिक कष्ट में पड़ने वाले हैं। मेरे बहुत निकट व्यक्ति ने एक सवाल पूछा है कि मैं सपने में प्रायः देखता हूँ कि मेरे हाथ कटे हुए हैं, एक हाथ कटे हुए हैं और मैं दौड़ रहा हूँ। अगर ये सपना रात्रि 2 बजे के बाद और 4 बजे के पहले देखा गया हो तो आपके निकटतम किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का संकेत है। किसी भी परिवार में, निकटतम परिवार में किसी व्यक्ति के मृत्यु का संकेत है। कुछ लोगों ने पूछा है कि सपने में मैं घूम रहा हूँ, किसी बगीचे में हूँ, किसी फुलवाड़ी में हूँ और वो फुलवाड़ी, वो बगीचा उजाड़ है, उजाड़ बगीचा और उजाड़ फुलवाड़ी है और उसमें मैं हर पेड़ को देख रहा हूँ, सूखे सूखे पत्ते। ऐसे सपने के संकेत बहुत अच्छे नहीं हैं। आप किसी न किसी मुसीबत में पड़ने वाले हैं, किसी न किसी कष्ट में पड़ने वाले हैं, आपके संतान किसी न किसी कष्ट में पड़ने वाले हैं। बहुत सारे व्यक्तियों ने पूछा है कि मैं सपने में हमेशा बैल देखता हूँ, जो काफ़ी तंदुरुस्त बैल है उसे भी देखता हूँ, तो ऐसा सपना बड़ा ही अच्छा सपना माना जाता है। ऐसे सपने देखना इस बात की पुष्टि करती है कि आपके घर में अनाज धन धान परिपूर्ण रहेगा और प्रभु शिव की आप पर कृपा रहेगी। बहुत सारे व्यक्तियों ने पूछा है कि मैं भेड़िया देखता हूँ तथा कभी कभी भेड़िया की तरह ही जर्मन शेफर्ड कुत्ते को देखता हूँ जो मुझ पर गुर्रा रहा है या मेरा पीछा कर रहा है या काटने को दौड़ रहा है। इस सपने का
अर्थ बड़ा ही अस्पष्ट है। ऐसे सपने देखना यानी शत्रु उपद्रव होना। शत्रु आप पर काफ़ी हावी हो सकते हैं और शत्रु आपको काफ़ी परेशान कर सकते हैं। बहुत लोग ने पूछा है कि मैं सपने में प्रायः देखता हूँ कि पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ और काफ़ी पहाड़ हिल रहा है, भूकंप टाइप का आ चुका है, हिल रहा है पहाड़, मैं किसी तरह से अपना जान बचाते हुए ऊपर चढ़ रहा हूँ। इस सपने का अर्थ है कि आप अपनी मंजिल की ओर पहुँच रहे हैं और मंजिल पे पहुँचने के पहले बहुत सारी कठिनाइयाँ आपको घेर चुके हैं, लेकिन आप ऊपर चढ़ रहे हैं, ये शुभ संकेत है, अतिशीघ्र आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। बहुत लोगों ने पूछा है कि मैं पहाड़ से उतर रहा हूँ और काफ़ी पहाड़ हिल रहा है और मुझे गिरने का भय सता रहा है। ऐसा सपना आपके व्यापार की हानि का सपना है, ऐसा सपना एग्जाम परीक्षाओं में काफ़ी नुकसान का सपना है, अच्छे रिजल्ट्स के नहीं सपने हैं। ऐसे सपने आपको नीचे की ओर ले जा रहे हैं, ऐसे सपने में आपकी सफलता बाधित हो रही है। बहुत से लोगों ने पूछा है कि मैं कॉपर का सपना प्रायः देखता हूँ, तांबे का सपना देखता हूँ, तांबे के गिलास में पानी पीने का सपना देखता हूँ। तो कॉपर का सपना देखना, तांबे का सपना देखना, ये शुभ संकेत है। बहुत डूबा हुआ पैसा आपका वापस मिल सकता है, गरे खजाने आपको वापस मिल सकते हैं, गरे खजाने मिल सकते हैं, पैतृक संपत्ति का डूबा हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। अगर आप कॉपर के ग्लास में पानी पी रहे हैं तो इस सपने का अर्थ है कि आपकी बीमारी अतिशीघ्र, अगर आप रोगग्रस्त हैं तो आपकी बीमारी अतिशीघ्र खत्म हो जाएगी। बहुत लोगों ने पूछा है कि मैं चांदी के गिलास में पानी पी रहा हूं और चांदी का गिलास बहुत छोटा है। ऐसे सपने का अर्थ है कि मानसिक चिंताओं से आपका दूर होना। आप अगर मानसिक चिंता में फंसे हुए हैं, काफ़ी चिंतित रहते हैं, तो अतिशीघ्र आपकी मानसिक चिंताएं दूर हो जाएंगी। इस टाइप के सपने प्रायः 2 बजे से 4 बजे के बीच में जो देखा जाता है वो अतिशीघ्र लागू होता है। बहुत लोगों ने पूछा है कि मैं देखता हूँ कि हवा में मैं उड़ रहा हूँ, आसमान में उड़ रहा हूँ। ऐसा सपना बड़ा ही खूबसूरत सपना है, आपको अतिशीघ्र तरक्की मिलेगी। बहुत लोग सपने देखते हैं और पूछा है कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ और बहुत तेज़ी से मैं गिर रहा हूँ। ऐसे सपने असफलता की सूचक हैं। अच्छे अच्छे व्यापार करने वाले अगर ऐसे सपने देखते हैं तो उन्हें व्यापार में काफ़ी हानि होने की संभावनाएं प्रबल हैं। कुछ लोगों ने पूछा है कि मैं छोटा जूता पहने हुए हूँ, छोटा जूता और पहन के चल रहा हूँ और मेरे पैर को काट रहा है छोटा जूता। ऐसा सपना देखना थोड़ा अशुभ है। घर में वैवाहिक जीवन में कलह आ सकता है, घर में झंझट लड़ाई हो सकते हैं, तो ऐसा सपना छोटे जूते पहनकर घूमना, ऐसा सपना अशुभ सपने में आता है। बहुत लोगों ने पूछा है कि मैं किसी स्त्री से रति क्रिया करते हुए स्वप्न को देखता हूँ। ऐसे सपने प्रायः लोगों को आते रहते हैं। अगर किसी स्त्री से रति क्रिया करते हुए आप दिख रहे हैं और वो स्त्री अगर उजला वस्त्र पहनी हुई है तो ऐसा सपना धन की प्राप्ति का सपना है। अगर वो स्त्री अगर देखते हैं कि लाल वस्त्र पहनी हुई है तो ये सपना अशुभ सपना है और ये सपना आपको बीमारी की ओर ले जाएगा, मृत्यु की ओर ले जाएगा और मृत्यु तुल कष्ट भी दे सकता है। अगर किसी स्त्री को या किसी पुरुष को नग्न रूप में सपने में देखते हैं आप, तो ऐसा सपना भी बड़ा ही अशुभ सपना है,
और अतिशीघ्र परिवार में कलह, आर्थिक कष्ट होने की संभावनाएं प्रबल होंगी। अगर चंद्रमा को टूटते हुए देखते हैं सपने में या किसी भी तारा को टूटते हुए सपने में देखते हैं तो ऐसे स्वप्न आपको आने वाले समय में काफ़ी तरह का आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक कष्ट दे सकता है। अगर आप सपने में चंद्र ग्रहण देखते हैं कि चंद्र ग्रहण लगा हुआ है सपने में, ऐसी स्थिति में ये सपना भी अशुभ सपने में माना जाता है। चंद्र ग्रहण सपना में देखना, मानसिक कष्ट होना, शारीरिक कष्ट होना इस बात का द्योतक है। प्रायः ऐसे सपने देखने वाले को आने वाले समय में काफ़ी मानसिक कष्ट मिलता है। अगर ऐसे सपने आप लगातार देखते हैं तो शिव जी पर हर सोमवार को आप दूध चढ़ावे, वरना आप काफ़ी आपकी मानसिकता काफ़ी ख़राब हो सकती है। अगर आप चींटी का सपना देखते हैं, बड़ी चींटी का सपना देखते हैं, जो बड़ा चींटी है, ये सपन एक समस्या को, आने वाले समस्या को सूचक है, आने वाले समस्या का सूचक है। बड़ी चींटी का सपने में देखना आने वाले समय में काफ़ी समस्या को झेलना पड़ सकता है। अगर आप छोटी छोटी काली चींटी देखते हैं सपने में और चारों तरफ आपके घर में घूम रहे हैं, ऐसे स्वप्न धन की प्राप्ति का स्वप्न है, आपके घर में आने वाली उन्नति का स्वप्न है, धन धान से परिपूर्ण होने का स्वप्न है। बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा है कि मैं देखता हूँ कि मेरे दांत टूट गए हैं, मैं गिर गया, दांत टूटे हुए अपने देख रहा हूँ, दांत को देखता हूँ कि हाथ से हिलाता हूँ तो दांत हिल रहे हैं, टूट के हाथ में आ गए हैं। ऐसे स्वप्न अशुभ स्वप्न माने जाते हैं। टूटे हुए दांत, अगर देख रहे हैं कि दांत टूट गया है, चाहे दांत हिल रहा है, आप हिला रहे हैं तो आपके हाथ में आ गया, तो ऐसे स्वप्न काफ़ी अशुभ स्वप्न माने जाते हैं। इसमें काफ़ी समस्याओं की वृद्धि होती है और आयु भी छिन्न होता है। अगर प्रायः आप ऐसे सपने देखते हैं कि आपके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और आप सोए हुए हैं, तो ऐसे सपने अच्छे सपने माने जाते हैं। किसी ऐसे मित्र का आगमन आपके घर में होगा जो आपके हर सारे प्रॉब्लम को दूर करने में सक्षम होगा। अगर आप देखते हैं कि आप बंद दरवाजे में हैं और चिल्लाने की कोशिश कर रहे हैं, मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही है और दरवाज़ा भी नहीं खोल पा रहे हैं, ऐसे स्वप्न आपके व्यापार के हानि का स्वप्न है, आपके व्यापार में काफ़ी हानि हो सकता है। अगर माँ काली का स्वप्न देखते हैं तो ये स्वप्न काफ़ी शुभ है। ऐसे स्वप्न देखना आपके शत्रुओं का समन होगा, आप अपने शत्रुओं का समन करेंगे। अगर माँ तारा का स्वप्न आप देखते हैं तो आपके घर में अन्नपूर्णा का वास होगा। अगर कोई स्वप्न ऐसा देखते हैं जहाँ काफ़ी देवी देवता हैं और बहुत सारे लोग चिल्ला चिल्ला के आपको महाकाल कह रहे हैं, महाकाल हैं आप, महाकाल हैं आप, महाकाल हैं आप, ऐसे स्वप्न इस बात का द्योतक है कहीं न कहीं से ईश्वरीय शक्ति आप में है, प्रभु का कोई न कोई कण, प्रभु के गुण, प्रभु के संरक्षण में आप हैं, महाकाल के संरक्षण में आपका हैं और सारे शत्रुओं का नष्ट होगा। महाकाल स्वयं आप पर हावी हैं और शत्रुओं का समन करेंगे, शिव के रूप हैं आप। तो ये छोटे छोटे सपने थे जो काफ़ी फरमाइश पे आए थे, मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना दूं। अभी तक आपने जो प्यार दिया है, दुलार दिया है, अतुल है मेरे लिए। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।